हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रानी। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन आएगा, उसे भी क्लिक कर दे। मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आप लोगों को। अब मैं आज बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यह रेसिपी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यह रेसिपी 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। आपके घर में जो जो सामान है उसी से बन जाएगा। टमाटर, आलू, प्याज, दो तीन रंग का सब्जी जैसे कि कद्दू हो, पत्ता गोभी, जो भी सब्जी आपके घर में है वो भी डाले इसमें डाल सकते हैं और एकदम लजीज खाना बन। अगर आपके घर में कोई नए मेहमान आ जाए तो अचानक आप फ्रिज खोल कर देखिए क्या है, और उस समय अगर ये आप बना दिए तो आपके मेहमान भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कद्दू, पत्ता गोभी और 3 आलू लिया है। मैं इसे चॉप काट के रख लूँगी और एक कुकर में डाल के हल्का नमक रख के मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे बंद करके मैं धीमी आंच पे इसे 1-2 सीटी लगा दूँगी। जब तक वो सीटी लग रहा तब तक मैं यहाँ पे 2 बड़े प्याज, टमाटर, नींबू, हरा धनिया मैंने इसे चॉप काट के यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद मैं ये पाव भाजी मसाला लिया है और जीरा मैंने एक पैन गरम कर लिया है। मैंने इसमें जीरा का तड़का लगा दिया है। अब इसमें मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची जो काट के रखा था मैं इसे उसमें फ्राई कर लूँगी। मैं इसे थोड़ा ब्राउन कलर आने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैंने उसमें भी नमक ऐड किया था इसलिए मैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं हल्का ही रखूँगी। उसके बाद मैं इसे इसमें मैं काली मिर्च मैंने इसमें मिलाया है, ब्लैक पाउडर, और उसके बाद मैंने हल्का सा हल्दी पाउडर मैंने मिलाया है। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और मैं जो टमाटर काट के रखी थी मैं उसमें मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ऐसे धीमी आंच पे मैं पका ली हूँ। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला 2 स्पून डालूंगी। ऐसे मैं अच्छे से चला लूँगी। मैंने ये मेरा उबल कर रेडी हो गया। मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और इसे अच्छे से इसे मैश कर दूँगी पूरे, इसे पेस्ट इस तरह से बना कर। और मैं इसे में मसाला में मैं ऐड कर दूँगी। इसे 5 मिनट तक मैं तेज़ फ्लेम पे फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं धनिया, मैंने जो हरा धनिया था मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हल्का सा मैं पानी ऐड करके मैं 2 मिनट के लिए इसे ढक दूँगी। अब देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अब मैं इसमें नींबू ऐड करूंगी। आप नींबू अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने हाफ ही नींबू ऐड किया है। मैंने यहाँ पे रोल ब्रेड लिया है। मैं एक तवा पे घी लगा लूँगी और इस पूरे ब्रेड को मैंने कट कर दिया है बीच से, और उसके बाद मैंने इसे सेक लिया है। आज का पाव भाजी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड। अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।